करके देखें। अब आप इस दंडालेख से 5 निष्कर्ष लिखिए। दूसरा है, इसी तरह समूह 2 से मिले आंकड़ों को भी दंडालेख के रूप में प्रस्तुत करें। तीसरा है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को जनवरी माह की उपस्थिति के आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और बताइए। किस दिन उपस्थिति सर्वाधिक रही, किस दिन सबसे कम उपस्थिति रही, कुछ और निष्कर्ष भी लिखें। चौथा है, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों को हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल में से कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है, इसके लिए आंकड़े इकट्ठे कीजिए। एक बारंबारता सारणी बनाकर इन प्रश्नों के हल ढूंढिए। कौन सा खेल कक्षा में सर्वाधिक लोकप्रिय है और कौन सा खेल कम छात्र पसंद करते हैं। घटते बढ़ते क्रम में रखना। कभी कभी हमें ऐसे आंकड़े मिलते हैं जिनमें बारंबारता हो भी सकती है और नहीं भी। यदि आंकड़ों की संख्या अधिक न हो तो इन्हें घटते बढ़ते क्रम में जमा कर भी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों ने गणित विषय की परीक्षा में 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 45, 35, 56, 22, 99, 71, 80, 63, 42, 36, 18, 77, 54, 82, 41। इन्हें बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखने पर 18, 22, 35, 36, 41, 42, 45, 54, 56, 63, 71, 77, 80, 82, 99। इसी तरह घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखने पर 99, 82, 80, 77, 71, 63, 56, 54, 45, 42, 41, 36, 35, 22 और 18। अब आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक और सबसे कम प्राप्तांक क्या है और इनका अंतर कितना है। अपने साथियों से चर्चा करें कि इन आंकड़ों से क्या कुछ और निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं।